सो गाइस आज की डेट में आईपीएल 2023 को लेके काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एमएस धोनी के फैंस के लिए, चेन्नई के फैंस के लिए आज गुड न्यूज का सबसे बड़ा पहाड़ आ गया है। हाँ गाइस, यहाँ पे काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जडेजा को लेके भी न्यूज निकल के आ रही है और साथ में रैना को लेके भी न्यूज निकल के आ रही है। यानी कि गाइस आज जो खबरों का है वो सिलसिला काफी बेहतर तरीके से चलने वाला है। तो वीडियो को अभी लेके हमेशा एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले चीज के बारे में और यह है खुशखबरी को लेके। हाँ गाइस, फाइनली यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट निकल के आती है। आज सुबह सुबह काफी एक ऐसा न्यूज जो कि सभी फैंस को एक तरीके से विस्फोट जैसा लगा और वो था काशी विश्वनाथन जो कि चेन्नई के सीईओ है, उनके बयान को लेके। हाँ गाइस, सुबह सुबह इनका बयान निकल के आता है कि आईपीएल 2023 में चेन्नई की जो कप्तानी करने वाले हैं वो एमएस धोनी ही करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि एमएस धोनी अपनी कप्तानी को कंटिन्यू करते हुए नजर आने वाले हैं। एक तरीके से लगा था सभी लोगों को कि पिछले बार जडेजा को कप्तानी दिए थे, उसके बाद एमएस धोनी बीच मैच में फिर से अपने कप्तानी ले लिए थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आईपीएल 2023 में कप्तान बदल जाए और वही जो कप्तान है वो लगातार चलता हुआ नजर आए और एमएस धोनी बाई उसे उस खिलाड़ी को यहां पे संभालते हुए नजर आए। लेकिन मैं आपसे लगातार कह रहा था कि आईपीएल 2023 और इंक्लूड आईपीएल 2024 दोनों सीजन में जो कप्तानी है वो एमएस धोनी ही करते हुए नजर आने वाले हैं। तो अब एक साल का तो खुलासा हो गया है। मैंने आपको पहले भी कह रखा था कि एमएस धोनी ही कप्तानी करेंगे और आईपीएल 2023 में तो धोनी ही कप्तानी करेंगे और मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि आईपीएल 2024 की भी जो कप्तानी है चेन्नई की वो एमएस धोनी ही करते हुए नजर आने वाले हैं। ये पूरी तरीके से कंफर्म न्यूज निकल के आ रहा है और गाइस ये पहली खुशखबरी है जो कि सभी चेन्नई के फैंस के लिए निकल के आ रही है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो गाइस फाइनली हम बात करने वाले हैं दूसरे चीज के बारे में और ये है रैना को लेके। हाँ गाइस, रैना ने भी आज सुबह सुबह काफी बड़ा बयान दिया और इन्होंने किया है आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई होप दैट समथिंग गुड विल हैपन इन 2023 आईपीएल। इनका साफ साफ यही कहना है कि मैं पूरी तरीके से मेहनत प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे अच्छी तरीके विश्वास है कि उनके लिए आईपीएल 2023 में कुछ अच्छा होने वाला है। वही चीज जो मैं आपको रेगुलर इंटरवल में बताता रहता हूँ कि सुरेश खन्ना ने अपनी जो कि तैयारी स्टार्ट कर दी आईपीएल 2023 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी है और ये रेगुलर लगातार क्रिकेट में फोकस बनाए रखे। और गाइस मैं आपसे पहले भी कह रखा हूँ कि इनके लिए आईपीएल 2023 में कुछ अच्छा ही होता हुआ नजर आने वाला है और चेन्नई की टीम इन पे बोली लगा के अपनी टीम में शामिल करेगी। रैना के लिए आईपीएल 2023 में कुछ अच्छी खबर लगातार निकल के आती रहेंगी और गाइस ये सुरेश खन्ना की ओर से जो कि आज खबर निकल के आ रही थी। So guys, क्या इंडिया एशिया कप जीत सकता है? आप भी सोच रहे होंगे क्या इंडिया जीत सकता है नहीं जीत सकता है, इसका आप जो कि ओपिनियन है आप प्रोबो पे दे सकते हैं। हाँ गाइस, प्रोबो यहाँ पे काफी लोगों को लखपति बना चुका है सिर्फ ओपिनियन देके और आप भी अपनी ओपिनियन देके यहाँ पे काफी रुपए जीत सकते हैं और गाइस चलते मुकाबले में लाइव मैच में भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और उसके साथ ही अगर हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पे प्रोबो एक ओपिनियन ऐप है जहाँ पे आसानी से आप अपना ओपिनियन देके ज्यादा से ज्यादा रुपए आप जीत सकते हैं। और गाइस आपका अगर इंटरेस्ट क्रिकेट या फिर स्पोर्ट नहीं है तो यहाँ पे और ज्यादा चीजें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, मौसम है, काफी सारी चीजें दी गई है, आपके हिसाब से आप अपना यहाँ पे ओपिनियन दे सकते हैं। और गाइस लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइस सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के आप आंसर करके आसानी से जीत सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को हराएगा? मुझे लगता है 101% कंफर्म है कि हराने वाला है, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा। सो गाइस यहां पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि विराट कोहली ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 35 रन मारे थे, तो क्या इस मुकाबले में 50 मार सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में 50 आराम से मारेंगे और गाइस इसीलिए मैं यहां पे 50 की जगह 70 रुपीज लगाऊंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कैश मिले, तो और मैं इसलिए यहां पे क्लिक करूंगा यस। और गाइस उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे पैसे निकालना विड्रॉल करना काफी ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा यहाँ पे इजी टेक्निक आपको दी गई है। और गाइस जिन्होंने भी अभी तक प्रोबो को डाउनलोड नहीं किया है मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपए का यहाँ पे साइन अप बोनस भी मिलने वाला है, तो देर किस बात की, फटाफट से डाउनलोड करिए प्रोबो ऐप। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले अगले न्यूज के बारे में और यह है जडेजा को लेके। हाँ गाइस जडेजा को लेके काफी शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि वो एशिया कप से बाहर हो चुके हैं, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन गाइस कल के डेट में काफी बड़ी ये भी न्यूज निकल के आ रही है
कि इनकी नी की सर्जरी होने वाली, यानी कि घुटने की सर्जरी होने वाली है, और इसमें मैक्सिमम 3 महीने लगते हैं। यानी कि अगर जडेजा की नी सर्जरी होती है तो जडेजा T20 वर्ल्ड कप से भी रूल्ड आउट हो जाएंगे। हाँ गाइस, ये पक्की खबर निकल के आ रही है कि 90% चांस बन चुके हैं कि जडेजा यहाँ पे वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जो इनकी नी सर्जरी होने वाली है, घुटने की सर्जरी होने वाली है, उसमें मैक्सिमम ज्यादा दिन का समय लगता है। और गाइस, इन समय को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जड्डू यहाँ पे जो कि एशिया कप है उसे तो मिस कर ही चुके हैं, अब वो होने वाला जो कि T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी मिस करते हुए नजर आएंगे। और गाइस, अगर जड्डू यहाँ पे चीजें मिस करते हैं तो ये टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जडेजा एक तरीके से एक्स फैक्टर खिलाड़ी है, हार्दिक के साथ ये भी एक उसी ओहदे के खिलाड़ी है। और गाइस, अगर यहाँ पे जड्डू रूल्ड आउट होते हैं तो ये काफी अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही है, काफी बेकार खबर है इंडियन फैंस के नजरिए पे, और साथ में जडेजा के भी फैंस को देखते हुए, क्योंकि जड्डू अगर फिट रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे वही बात है, नी में चोट लगाए और इसकी सर्जरी होगी तो यहाँ पे समय लगेगा ही, और जड्डू यहाँ पे कुछ मैचेस मिस करते हुए और T20 वर्ल्ड कप मिस करते हुए नजर आने वाले। सो गाइस, फाइनल में बात करने वाले अगले न्यूज के बारे में, और गाइस ये निकल कर आ रहा है एक्टर विशाल सिंह को लेकर। हाँ गाइस, एक्टर विशाल सिंह ने अपने जो कि इंस्टा का बायो है वहां पे लिखा है MS धोनी भक्त, यानी कि अपने आप को इन्होंने MS धोनी का भक्त बताया है, और अपना जो बायो है उसमें MS धोनी भक्त लिखे है, यानी कि एक तरीके से जो कि फिल्मी जो कि स्टार्स हैं उनके भी दिमाग में MS धोनी पूरी तरीके से छाते रहते हैं। और गाइस, इनके इंस्टा बायो ये निकल के आ रही है, और ये जो खबर निकल के आ रही है वो धोनी के फैंस के लिए और चेन्नई के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर और एक न्यूज रिलेटेड न्यूज निकल के आ रही है। सो गाइस, ये थी आज की न्यूज जो कि निकल के आ रही थी, जो कि एक काफी शॉकिंग और एक काफी बड़ी न्यूज निकल के आ रही थी चेन्नई के लिए भी, जडेजा के फैंस के लिए भी। तो गाइस, फाइनली आप बताइएगा कि आपके लिए कौन सी खबर अच्छी, आपकी अपनी जो राय कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं, आप मिलेंगे एनालिसिस के साथ।